तो यूपी से गुड न्यूज निकल कर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। यूपी में 13 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिलनी थी, लेकिन मिली मात्र 7 मेडिकल कॉलेज को, जिसमें आपकी मात्र 600 सीटें बढ़ी। गुड न्यूज ये है कि बचे हुए 6 मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन दिलाने के लिए वापस से अपील कर दी गई है, और इस बार 700 सीटें बढ़ सकती हैं। अब ये 700 सीटें कैसे बढ़ रही हैं यूपी में, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर श्लोक, वन बाय वन आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई यूपी में आपके 13 नए मेडिकल कॉलेज आने थे, 7 आए, 6 आपके रह गए। और वो 6 कौन कौन से हैं जिनको अब परमिशन मिल सकती है, जिसमें आपका औरैया है, सोनभद्र है, चंदौली है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है और कौसाम्बी है। जो अभी 7 मेडिकल कॉलेज को परमिशन आई थी उसमें टोटल आपकी 600 सीटें आई थी। कारण ये था कि 7 में से 5 में 100 सीटों की परमिशन आई, जबकि 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिसमें मात्र 50-50 सीटें आपकी आई थी, कानपुर देहात और ललितपुर में। तो यहाँ जो अब की बार जो अपील की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 2 चीज़ों को लेकर अपील की गई। पहला, 6 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन दी जाए, और दूसरा, जो 50-50 सीटें आपकी कानपुर और ललितपुर में आई हैं, कानपुर देहात और ललितपुर में, उनमें 100-100 सीटें बढ़ाई जाएँ। तो इस वजह से 6 में आपकी 100-100 सीटों से 600 सीटें, और 50-50 वो बढ़ेंगी तो 100 और बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से टोटल 700 सीटें आपकी बढ़ सकती हैं, और ये आपका इंडिया टुडे से लेकर हर पेपर में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बताऊँ, इन 6 मेडिकल कॉलेज को परमिशन क्यों नहीं मिलती, वही फैकल्टी की कमी। और इस चीज़ को लेकर 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आपके वापस से वैकेंसियां निकाली गई थी, और उन पे आपके वैकेंसियों में ज्वाइनिंग भी कराई गई है, और इस बेसिस पर आपकी वापस से अपील की गई है। तो ये न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यूपी के 6 नए मेडिकल कॉलेजों ने स्वास्थ्य मंत्रालय से की अपील, ऐसा हुआ तो बढ़ जाएंगी MBBS की 700 सीटें। 6 मेडिकल कॉलेज में 700 सीटें कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ। सभी कॉलेज में 100-100 सीटें, और उसके बाद 50-50 सीटें जो आपकी बढ़ी थी उनको 100-100 सीटें यहाँ पर किया जाएगा। और इस तरीके से अगर ये 700 सीटें बढ़ जाती हैं तो टोटल 11,200 सीटें हो जाएंगी आपकी यूपी के अंदर। अब ये जो सीटें हैं वो आपकी टोटल कुल मिलाकर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए ही होंगी। खैर, ये तो आपकी चीज़ें हैं, तो ये कुल मिला के आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है ये 6 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन आप सेकेंड राउंड तक मान कर चलिए, नहीं, इसी साल जो काउंसलिंग 20 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, उससे पहले ही परमिशन आने की उम्मीद है इन 6 नए मेडिकल कॉलेज की। तो ये बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। कोई भी अगर आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरीके की और भी गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए लेकर मैं आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। काउंसलिंग के अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।